मुबारक हो फिर नंबर टू। आइए बैठिए। पार्ट वन में भी इन्होंने बहुत कमाल का काम किया, पार्ट टू में ये तूफान मचा देंगे। माय फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर, आज हम सारे यहाँ पर, मैं हिमांशु, इस फिल्म का पीआरओ सरहद साई बाबा, फर्स्ट की सक्सेस आज थर्ड वीक में फिल्म गई है और पार्ट टू आज अनाउंस करने वाले अनूप जी हमारे बीच हैं, अनूप जी बताएंगे पार्ट टू में क्या होने वाला है। और इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि तीसरे हफ्ते में फिल्म है और फिल्म में थिएटर्स कम नहीं हो रहे हैं, फिल्म में हर वीक पिक्चर मेंटेन है, वो एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। लॉकडाउन के बाद एक फिल्म, डिवोशनल फिल्म, एक मैसेज वाली फिल्म लगी है और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं अनूप जी से ही रिक्वेस्ट करूँगा वो आके आगे की गतिविधि बताएं, क्योंकि अनूप जी सत्य साईं बाबा से कई बार मिल चुके हैं और उन्हें ही सारी कहानी बता है। सत्य साईं बाबा पार्ट वन आप लोगों ने सबने देखा और अच्छा लगा, तभी अभी तक लोग देख रहे हैं, थर्ड वीक में पहुंच गए हम लोग। और अब पार्ट टू अनाउंस हो गया, बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ हमारे आर्टिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो भी आ जाए यहाँ। साधिका जी आइए सर, होने वाला क्या है कि दिनेश जी जो पार्ट वन बना था उसमें इतना कुछ दिखाया नहीं जा सका, क्योंकि बाबा के जीवन में इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं, रोचक कहानियाँ हैं, मिरेकल्स हैं, कि वो एक फिल्म में पॉसिबल नहीं है दिखाना। तो कोई बड़ी बात नहीं कि पार्ट टू के बाद पार्ट थ्री भी आए, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष जिसको लोग भगवान मानते हैं उसके जीवन में इतना कुछ होता है कि वो दो घंटे में आप कैसे दिखा सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो अच्छा हुआ कि लोगों ने पार्ट वन को सराहा, पसंद किया और मुझे एज एक्टर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं, गाना ठीक से नहीं आता, गाना भी ठीक से नहीं आता, जो भी एक्सेप्ट किया है तो भजन सम्राट से मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसमें इस पार्ट टू में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं पहली बार फिल्म डायरेक्शन करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा और म्यूजिक भी देने वाले हमने सुना। म्यूजिक तो वो तो है ही है, हमारे हिस्सा है हमारी जिंदगी का, म्यूजिक तो आप लोग सुनेंगे, हमारे गाने भी सुनेंगे, सब होगा, आवाज भी सुनेंगे, और भी सिंगर्स होंगे, ऐसा नहीं कि सब आजा बेटा, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही होऊंगा, और भी लोग होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बात ये हुई कि केवल हम पार्ट टू में बाबा के जीवन के रोचक प्रसंग प्रस्तुत करेंगे, इसमें हो गया कि बाबा पैदा हुए, बड़े हुए और उसके बाद समाधि ले ली, चले गए, लेकिन वो सब इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें केवल ये होगा कि बाबा ने कैसे कैसे, कई बार होता था कि बाबा एक समय में तीन जगह प्रेजेंट होते, किसी की शादी हो रही है वहाँ भी वादा किया, वहाँ भी पहुँचे, बेंगलोर में भी पहुँचे, दिल्ली में भी पहुँचे, हैदराबाद में भी पहुँचे, एक ही टाइम पे वो तीन चार जगह होते थे। तो इस तरह के चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं कि जब वो लोग मिलते थे वो कहते बाबा तो हमारे यहाँ थे, वो कहते तो हमारे यहाँ थे। तो इस तरह की चीज़ें उनके जीवन की जो है वो सब बुक्स में हैं, उनके साई चरित्र में हैं, तो उनको हम निकाल के बड़े अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पेश करेंगे और आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो अब तैयार हो जाइए पार्ट टू देखने के लिए, हम बहुत जल्दी इसको बना देंगे।
क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो अब दिन रात यही सोचते रहते हैं, पार्ट वन में सोचते रहते हैं कि पार्ट टू में अब क्या करना है। अच्छा सर, ने सुना कि इस फिल्म में जब इतनी छोटी छोटी कहानियाँ होंगी तो बहुत सारे नॉन एक्टर्स भी गेस्ट अपीयरेंस में होंगे, तो उसके बारे में क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, ये सब नॉन एक्टर ही हैं। नहीं नहीं, बाकी जो आने वाले जैसे जैकी श्रॉफ थे पार्ट वन में, तो हो सकता है जैकी आ जाए और भी लोग आ जाए, आएंगे और सब लोग मन से काम करेंगे कि सब बाबा के भक्त ही हैं, केवल नॉट जस्ट एक्टर्स, बाबा के भक्त हैं तो सब मिल के काम करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट हम देंगे, इसका हमें विश्वास है। साधिका जी, पार्ट वन बहुत पसंद की गई, लोगों का आपका काम पसंद आया, तो पार्ट टू में भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अनूप जी ने मुझे याद किया, सेम टीम के साथ में फिर से काम कर रही हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर इससे किसी को भी खुशी नहीं होगी कि आप सेम टीम ने आपको दोबारा रिपीट किया है, और डेफिनेटली पार्ट वन को लाइक किया जा रहा है, मुझे जैसे पता चल रहा है, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड आपने जैसे पूछा जैकी जी यहाँ कोई है, तो कुछ चीज़ें हैं जो सरप्राइज होंगी, डेफिनेटली मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, कोई ना कुछ जी अभी काफ़ी चीज़ें सीक्रेट रख रहे हैं। चमत्कार होंगे, बहुत सारे चमत्कार दिखाई देंगे, वो अनुप जी दिखाएंगे। सचिंदर जी, अभी ये जो अभी सर आपको कहानी सुनाएंगे जिसको आप डेवलप करेंगे अभी, और हमने जैसा अनुप सर ने बताया कि इसकी रिकॉर्डिंग से हम मुहूर्त करेंगे ऑफिशियल मुहूर्त, तो इस तरह की कहानी को लिखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? फर्स्ट पार्ट जब भी मैं शुरू किया था लिखना, तब जब अनूप जी को हमने, अनूप जी ने ही बोला था कि मुझे देखो मैं शायद लिखता हूँ, और इनको बाबा ने कहा था, तब अनूप जी ने मुझे बताया था कि आप जाइए। जब हम आश्रम में पहुँचे तो 3 महीने हमें लग गए थे उनके बुक्स को पढ़ने के लिए, बाबा की जो लाइफ थी ना उसमें से सारी चीज़ को निकाला, और जैसा कि अनूप जी ने बताया कि वो चमत्कारों को हमने छोड़ दिया, ये बायोग्राफी के तौर पर हमने बनाया था, अब उन चमत्कारों को हम दिखाएंगे, तो बहुतों की लाइफ में बहुत कुछ चमत्कार हुआ है, और बड़े बड़े फैन रहे हमारे, जो राष्ट्रपति थे वो भी बाबा के भक्त थे, सचिन तेंदुलकर थे, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग थे, रजनीकांत हैं, कमल हसन है, मनोज कुमार जी हैं, तो बहुत लोग जाते थे, ऐश्वर्या राय जी भी जाते थे, मतलब अनगिनत है। और जब मेरी अपनी ये थी, जब मैं वहाँ गया सुबह 5 बजे हम आश्रम में चले जाते थे, 8 बजे जाते थे, ऐसा लगता था कि शायद हमने स्वर्ग देखा नहीं है, स्वर्ग लोक यही है। अगर मैं बार बार बोलता हूँ किसी को, अगर विष्णु लोक देखना है तो पटपूर्ति जाइए, अब 3 घंटा बैठिए सुबह के, आपको विष्णु लोक दिखाई देगा, मतलब यही स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग का सारी वो अनुभूति मिली। लिखने की प्रेरणा देखिए, जब अभी अनुप जी बताया बहुत सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई है, अब तो चीज़ें हो चुकी है, लोगों ने मान लिया है, तो आसान नगर लेकिन आम जनता को नहीं मालूम है, तो वो हम दिखाएंगे बड़ी बड़ी चीज़ें। अगर बोला ना कि 2 पार्ट नहीं, हम जो बोले 3रा 4था में भी समाहित करना, और मेरे लिए खुशकस्मती है कि जैसे देखिए माई फ्रेंड गणेशा मैंने लिखी थी, तो पार्ट 1 2 3 4 अब 5वीं की तैयारी है, तो शायद 5वीं की तैयारी साईं बाबा की भी। सर आप क्या किरदार करने वाले, कुछ बताएं उस बारे में? सर वो हमारे डायरेक्टर साहब हमें जो भी बताएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ खाली इसी फिल्म में नहीं, पार्ट वन में नहीं, हम इनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं फिल्म में, जिसमें अनूप जी सरदार जी भी थे, तो हैप्पी सिंह के साथ भी एक्सपीरियंस बहुत हैप्पी था, तो आई एम श्योर इन सत्य साई बाबा पार्ट टू ऑल्सो माई रोल एंड एक्सपीरियंस विल बी वेरी हैप्पी। आप क्या कर रहे हैं? जरूर अच्छा होगा। अनूप जी बताने वाले हैं, अभी तक तो जैसे सर ने बताया कि अब हम डेवलप करेंगे सारी चीजें, तो जैसे जैसे डेवलप होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे किरदार आते जाएंगे कि हम क्या किरदार कर रहे हैं हमें पता चलेगा। बाबा किसके घर पे जाएंगे ना, घर वाले बहुत होंगे, किसके घर पे जाएंगे बाबा? पंकज भैया, आप तेनालीराम से तो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, अभी आप श्री श्री रविशंकर साहब को मिलके आए और उन्होंने आपका लाइव किया था इंटरव्यू, तो आप इस फिल्म के साथ जुड़े सत्य साईं बाबा के क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य कि मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। पहला पार्ट बायोग्राफी था, दूसरे पार्ट में रोचक घटनाएं दिखाई जाएंगी, तो बहुत ही रोचक होगा जो। और दूसरी बात, अनूप जी के भजन सुनते चले आए, बहुत आनंदित होते रहे। अब अनूप जी की डायरेक्शन में काम करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ तो और मुझे लगता है कि आनंद आने वाला है, तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ अनूप जी करने वाले हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक डायलॉग तो सुना, एक तो डायलॉग सुनना पड़ेगा तेनालीराम का। डायलॉग क्या, वो पुरानी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी पंडित रामा कृष्णा।
मैडम आप कौन किरदार, अच्छा कौन सा किरदार कर रही हैं आप इस फिल्म में? अभी तो ये अनुप जी बताएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है डिटेल में, क्योंकि अभी कहानी में काम चल रहा है। किरदारों के जो सीक्रेट है वो अनुप जी ने बताएंगे किसी को। मैं ये कहना चाहूंगी ये फिल्म इसलिए भी बहुत स्पेशल होगी क्योंकि भजन सम्राट एक लेजेंड है अनुप जी डेफिनेटली, तो ये उनकी डेब्यू डायरेक्शन में है तो डिवोशनल फिल्मों का सीरियल का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। आप साउथ की भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में डिवोशनल बन रही हैं, अभी आश्रम आई थी जो जीवनी पे थी, पॉलिटिकल भी थी उसमें, डिवोशन भी था, सब कुछ था, तो अभी दौर चल रहा है, इस दौर के बीच में अगर आपकी फिल्म आई तो कब तक शुरू होगी और कब शूटिंग पे जाने का प्लान है? मुझे लगता है कि 2 महीने बाद हम शूटिंग शुरू करेंगे, 2 महीने हम और सचिंदर जी बैठ के जरा इस पर काम करेंगे, स्टोरी पर एक बार हम तैयार हो गए, फिर कलाकार हमारे साथ हैं, जल्दी शुरू करते हैं, 2 महीने में शुरू करेंगे। तो सर बस खत्म करने के पहले, सक्सेस मनाने के पहले एक भजन हो जाए जरूर साईं बाबा का। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। बाबा को धन्यवाद, तीसरे हफ्ते में हमारी फिल्म को एंट्री दिला। ओम साईं। पास आ जाओ, आप इधर आ जाओ। जैसा अनुप जी ने कहा कि पार्ट टू जो है अब बहुत अच्छी बात है कि अनुप जी के डायरेक्शन में ये सेकंड पार्ट बन रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि अनुप जी के साथ लिखने का मुझे मौका मिल रहा है। तो इसमें जैसा अनुप जी ने कहा कि चमत्कार और मिराकल शो है, तो बाबा के साथ अनुप जी का जुड़ाव जो है बहुत ज़्यादा रहा है, बचपन से अनुप जी आश्रम में जाते रहते हैं, तो अनुप जी ने जैसा बताया कि एक टाइम में बाबा 3 जगह पर होते थे, तो शायद डिफरेंट डिफरेंट मिराकल्स हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसर्च करेंगे आप जो पसंद साधिका जी, आपको फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे और सेकंड पार्ट में कौन से किरदार में नजर आने वाली है? सबसे पहले तो एक्चुअली मुझे स्पिरिचुअली या रिलीजियस फिल्म में काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और शिरडी के साईं बाबा को मैं बचपन से मानती हूँ और जब मुझे मैंने सत्य साईं बाबा की तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसलिए क्योंकि मुझे ये फिल्म मिली। वो इससे पहले भी हमने की थी, वो शिरडी साईं बाबा सेम टीम एक्चुअली, बस अनूप जी नहीं थे उसमें, आर्यन वेद और मैं थे और सचिंदर जी ने लिखी थी। तो आई थिंक ये मैंने पहले भी कहा एज एन एक्ट्रेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे सेम टीम रिपीट कर रही है तीसरी बार और ऐसी फिल्म के लिए जहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ कि ऐसे किसी किरदार में जहाँ मैं भक्त हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डिवोटी हूँ, यू नो, तो मैं बहुत मानती हूँ साईं बाबा को, शिरडी के साईं बाबा को। तो फिर इस फिल्म का सबसे बड़ा एक डिफरेंट पॉइंट और अच्छा पॉइंट ये होगा कि अनूप चलूगा जी इसमें खुद एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं, तो आई फील वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग कि क्या कैसा फील होगा क्योंकि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई रियली लाइक हिम एज अ भजन, तो सब भजन सम्राट तो है ही, बट एज अ डायरेक्टर मैं देखना चाहती हूँ कि उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी।
क्योंकि सत्य साईं बाबा भी मैंने जब जब उनके साथ काम जो किया उन्होंने भजन गया हिट थोड़ा सा बताइए कि डायरेक्शन को लेके क्या कुछ इस बार होने वाला है सेकंड पार्ट में। देखिए ऐसा है कि जब ये फर्स्ट पार्ट बना तो इसमें उनके जीवन के जो चमत्कार हैं वो ज़्यादा आ नहीं पाए क्योंकि उनकी बचपन से कहानी जो है वो सब आती गई, उसके बाद उन्होंने समाज के लिए वो दिखा दिया। लेकिन सच में जो उनके जीवन के खूबसूरत हिस्से हैं वो इसमें दिखाई नहीं पाए। जैसे वो एक समय पे चार जगह उपस्थित होते हैं, जयपुर में भी हैं, पता लगा अहमदाबाद में भी हैं, पता लगा दिल्ली में भी हैं, बेंगलोर में भी हैं, एक ही समय पर अपने भक्तों के यहाँ पहुँच जाते थे। तो ये सब चीज़ें दिखाई है, इतनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इंटरेस्टिंग है। तो सचिंदर जी से मैंने कहा है कि आप अब वो चीज़ें निकालिए जो उनके बुक्स में लिखी हुई हैं और छोटी 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 कहानियाँ करके इसको पूरी फिल्म बना दे दो घंटे, जो लोगों तक लोगों को मालूम नहीं है, बात जो नहीं पता है, छोटी छोटी कहानियाँ। अब जैसे मैं आपको अपने पिताजी का किस्सा बताऊँ, उन्होंने हमारे पिताजी को ऐसे करके एक अंगूठी दी, पिताजी ने अंगूठी ऐसे पहनी तो लूज थी, तो पिताजी ने कहा बाबा थोड़ी लूज है, कहते अच्छा जरा देना ऐसे करके, फिर उछाली, कहते आप पहन लो ठीक होगी। इस तरह के तमाम किस्से हैं जो हम दिखाएंगे और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, हमको इसका विश्वास है। सचिन जी बहुत अच्छा लिखते हैं और जब हम दोनों साथ बैठेंगे तो उसको हम और खूबसूरत करेंगे, इसका हमें विश्वास। विकी जी आइए। विकी जी ने हमारा फर्स्ट पार्ट जो है डायरेक्ट किया और बहुत बढ़िया काम किया, सब जानते ही हैं। और मुझे जहाँ कहीं तकलीफ होगी मैं इनके पास पहुँच जाऊँगा। गुरु जी समझाइए कैसे होगा काम। सर सत्य साई बाबा जी की अगर बात करें, आपको अपनी लाइफ में किस तरह से प्रभावित किया उन्होंने और क्या सीखा आपने उनकी लाइफ से स्पेशली? मैं उनसे मिला था सबसे पहले करीब 55 साल पहले, मैं 12 साल का, उनको मैं लखनऊ में मिला और उन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि वो हमेशा सेवा की बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि दो राम राम जपो कृष्ण जपो, नहीं, वो कहते थे सेवा करो उसी में भगवान। और सेवा का असर ये हुआ है कि उन्होंने जैसा हॉस्पिटल बनाया है दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि आप एक दरवाजे से अंदर जाइए, हार्ट सर्जरी कराइए, बाईपास कराइए, दूसरे दरवाजे से निकल जाइए, बिलिंग सेक्शन है ही नहीं, एक रुपए का बिल नहीं आएगा, ये तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो वो सेवा पे विश्वास करते थे। तो ऐसे व्यक्ति महापुरुष होते हैं और उन्हीं लोगों को भगवान लोग कहने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर विश्वास करें और सेवा में ही लग जाएं, उसी में ईश्वर। सर विकी सर आपसे जानना चाहूँगा, अनूप सर पहले जो है एक्टर थे, अब जो है डायरेक्शन भी कर रहे हैं, एज एन एक्टर थोड़ा सा बताइए उनके बारे में और अब जब डायरेक्शन करने जा रहे हैं तो क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं इतने गुणी आदमी को मैं क्या टिप दे सकता हूँ, बस बहुत ही सहज एक्टर है, बहुत अच्छा काम किया है, मतलब लगता ही नहीं कि वो एक्टर है, नेचुरल उन्होंने एक्टिंग की और एक रियल बाबा परफॉर्म किया और मुझे बहुत हेल्प मिली क्योंकि मुझे उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाबा के साथ इतने साल तक के तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब उनको पता थी। तो बहुत अच्छा काम किया, पूरा शो ही उनका था, पूरी फिल्म उनकी थी, सारा क्रेडिट उनको जाता है और मैं शुभकामना देता हूँ उनको दूसरी पिक्चर की, बहुत खुशी है पिक्चर की जो है रिपोर्ट बड़ी अच्छी आई और अच्छी रही और इस वजह से हम यहाँ वापस आए हैं। बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कठिनाई होगी इनके वहाँ पहुँचेंगे। बताइए सर, आप बताइए फिल्म के बारे में और कितने एक्साइटेड है और कब तक शूटिंग शुरू हो जाएगी? बहुत एक्साइटेड हूँ, अच्छी जा रही है
और अनुप जी ने इतना अच्छा काम किया है बाबा जी से कि कुछ बोलने का उसका मन नहीं। और जो दूसरी फिल्म जाएगी शीतल बन रही है और अनुप जी ही चमत्कार बता सकते हैं। मुझे याद नहीं, वो मुझे बताएंगे अभी तो काम चलेगा, काम चलेगा उसके बाद किरदार क्या क्या होंगे, किरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो मैं एक्साइटेड हूँ उस किरदार को निभाने के लिए, वेट कर रहा हूँ, मुझे पता चलेगा शीघ्र कि मैं क्या किरदार देना चाहूँगा। गुप्ता जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप तो बैक टू बैक फिल्में करी है, खली बिल्ली की बात करें आप जो है सत्य साई बाबा, ये फिल्म के लिए बताइए कितने एक्साइटेड है, कौन से किरदार में? मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ बिकॉज जैसे आप सबको पहले भी बताया था कि 2020 मेरे लिए तो बहुत ही फलदायक था, बहुत ही अच्छा था, और उस वक्त भी मैंने 3 फिल्मों की शूटिंग कर ली थी जो अब रिलीज़ पर है, और अब ये जो 6th फिल्म है, वैसे देखा जाए तो मेरी 6th फिल्म है जो अब शूट होने वाली है, तो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि अभी तक ये पूरा एक बंद डिब्बा है, अब जब खुलेगा तब उसमें पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। जैसे पंकज जी ने भी बताया कि अभी तक हमें हमारे किरदार नहीं पता है, लेकिन अनूप जी को ये पता है कि हम कुछ किरदार कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता है, उनको ही पता है, वो पूरा जब लिखेंगे तब हमें बताएंगे, हम आप सबको बता देंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे सत्य साई बाबा 2 में, कितने एक्साइटेड है, क्या तैयारियां? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। मैम आप बताइए कितने एक्साइटेड है और क्या तैयारियां चल रही है आपकी तरफ से? तो अनूप सर के साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड है? मैम आप बताइए कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए और थोड़ा सा। पहले तो सबसे पहले मैं अनुप जी का और बालकृष्ण जी का धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे सेकंड पार्ट में अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं लेट हो गई क्योंकि आज की रिलीज हुई है होम आई होस्ट उसका प्रीमियर है, इसलिए मुझे क्षमा चाहूँगी आप सबसे। तो अभी मतलब वहाँ पे घोष का कैरेक्टर किया है और यहाँ पे कुछ तो एकदम ही डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो अलग करने मिलेगा, चमत्कारों से भरा हुआ होगा ये। तो अभी मुझे कोई पता है कि वो क्या रोल देंगे, अब तो बस मैं इस मूवी का हिस्सा हूँ इतना ही पता है, बाकी उसके आगे से कुछ पता नहीं है, बाकी आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या किरदार करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।